की गोलाबारी में एक बंदरगाह पर, यूक्रेन में एक बंदरगाह बर्दियांस्क पोर्ट पर आग लग गई है। दरअसल रूस इतने दिनों में उन सभी पोर्ट सिटीज को टारगेट कर रहा है, उन सभी बंदरगाहों को टारगेट कर रहा है यूक्रेन के, क्योंकि उसका मुख्य निशाना है कि किस तरीके से सैन्य तौर पर और आर्थिक तौर पर देश को तोड़कर और अपनी बातें मनवाई जाएं। भले ही आज ब्रसल्स में अहम बैठकें चल रही हैं, लेकिन रूस की तरफ से हमले बदस्तूर जारी हैं। बर्दियांस्क पर रूसी रॉकेट हमले से आग लग गई है। यूक्रेन की ओर से यह जानकारी दी गई है कि रॉकेट से यह जो हमला हुआ है उसकी वजह से भीषण आग बर्दियांस्क में लगी है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आज हताहत लोगों का आंकड़ा भी जारी किया गया, जिसमें कुल 4000 रूस की गोलाबारी में एक बंदरगाह पर, यूक्रेन में एक बंदरगाह बर्दियांस्क पोर्ट पर आग लग गई है। दरअसल रूस इतने दिनों में उन सभी पोर्ट सिटीज को टारगेट कर रहा है, उन सभी बंदरगाहों को टारगेट कर रहा है यूक्रेन के, क्योंकि उसका मुख्य निशाना है कि किस तरीके से सैन्य तौर पर और आर्थिक तौर पर देश को तोड़कर और अपनी बातें मनवाई जाएं। भले ही आज ब्रसल्स में अहम बैठकें चल रही हैं, लेकिन रूस की तरफ से हमले बदस्तूर जारी हैं। बर्दियांस्क पर रूसी रॉकेट हमले से आग लग गई है। यूक्रेन की ओर से यह जानकारी दी गई है कि रॉकेट से यह जो हमला हुआ है उसकी वजह से भीषण आग बर्दियांस्क में लगी है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आज हताहत लोगों का आंकड़ा भी जारी किया गया, जिसमें कुल 4000 लोगों के मारे जाने की, रूस की गोलाबारी में एक बंदरगाह पर, यूक्रेन में एक बंदरगाह बर्दियांस्क पोर्ट पर आग लग गई है। दरअसल रूस इतने दिनों में उन सभी पोर्ट सिटीज को टारगेट कर रहा है, उन सभी बंदरगाहों को टारगेट कर रहा है यूक्रेन के, क्योंकि उसका मुख्य निशाना है कि किस तरीके से सैन्य तौर पर और आर्थिक तौर पर देश को तोड़कर और अपनी बातें मनवाई जाएं। भले ही आज ब्रसल्स में अहम बैठकें चल रही हैं, लेकिन रूस की तरफ से हमले बदस्तूर जारी हैं। बर्दियांस्क पर रूसी रॉकेट हमले से आग लग गई है। यूक्रेन की ओर से यह जानकारी दी गई है कि रॉकेट से यह जो हमला हुआ है उसकी वजह से भीषण आग बर्दियांस्क में लगी है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आज हताहत लोगों का आंकड़ा भी जारी किया गया, जिसमें कुल 4000 लोगों के मारे जाने की बात संयुक्त राष्ट्र ने की है। बर्दियांस्क में ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं, पोर्ट सिटीज को खासकर निशाना बनाया जा रहा है। उसी क्रम में बर्दियांस्क पर जो हमला हुआ है उससे भीषण आग वहां पर लग गई है। मारियोपोल में भी जंग के बीच बड़ी तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। मारियोपोल भी एक पोर्ट सिटी है और बहुत अहम आर्थिक तौर पर यूक्रेन के लिए। मारियोपोल में अब तक 2400 नागरिकों की मौत हुई है, यह संयुक्त राष्ट्र का आंकड़ा है। मारियोपोल में हैवानियत पर रूसी फौज उतरी है, यह यूक्रेन का आरोप है। और पूरे यूक्रेन में 5000 से ज्यादा आम लोग मारे गए हैं, यह भी संयुक्त राष्ट्र का ही आकलन है। लाखों की तादाद में अपना देश छोड़कर, यूक्रेन छोड़कर लोग निकले हैं और 5000 नागरिकों की मौत हो चुकी है।